स्वागत है, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रजेश। आज हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 4 और ये पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट 49 का। पार्ट 2 का मतलब क्या है? लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 49 के कुछ सम किए थे, कुछ रह गए थे, वो हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहले 3 वीडियो समझ में आए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितना हो सके पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड सम सब प्रैक्टिस करो। देखो, हर एक टाइप के सम जितना हो सके इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड, इस पर्टिकुलर बुक में, आपके जो स्टेट बोर्ड के बुक में जितने भी सम्स, बेसिकली जिनको बेसिक्स समझना है पाइथागोरस थ्योरम का, कम से कम उन लोगों के लिए तो सफिशिएंट होगा। फिर भी देखते हैं और जो भी होगा वो करेंगे हम लोग। तो पहला ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर देना, बिकॉज ये एप्लीकेशन में आगे फ्यूचर में बहुत सारे कंटेंट आएंगे। जस्ट फॉर एन अवेयरनेस आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बच्चों, तो ज्वाइन कर लेना। 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बेसिकली कैसा है, यहाँ पर हम लोग ये कुछ अपडेट्स होंगे वो शेयर करा करेंगे, ठीक है। सो लेट अस ज्वाइन दिस ग्रुप एंड लेट अस गेट कनेक्टेड, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन लोग कह रहे हैं कि साइड्स ऑफ सम ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो देखते हैं कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, कभी सपोज कोई ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो आप कब बोलोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? जब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सपोज मान लो ये आपका एक्स है, मान लो ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एंड हेंस हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इन एक्स वाई जेड वाले साइड्स से, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आपके साइड्स हैं 8, 15 एंड 17, ये किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा इसमें लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। सो योर हाइपोटेनस इज 17, तो लेट अस ड्रॉ अ फिगर, एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग जिसमें हाइपोटेनस आप लोगों को मैंने या हाइपोटेनस हम मार्क करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करेगा। अभी तक हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं, बट हम लोग ऐसा खाली एक फिगर बना करके हम लोग दिखाते हैं कि ये 15 होगा और ये 8 होगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेट अस से दैट ए सी इज इक्वल टू 17 एंड लेट अस से दैट ए बी इज इक्वल टू 15 एंड लेट अस से दैट बी सी इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर योर ए सी स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289। याद रखना आप लोग को, मैंने कई बार बोला है आप लोग को सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं, कहाँ तक, 30 तक, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289। अच्छा, ए बी का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 और आपका बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको देखना है क्या ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का एडिशन करने पर मुझे 289 आता है। सो लेट अस ऐड दिस। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 225 प्लस 64 हो जाएगा 9 6 7 8, दिस इज 289। यस, दिस इज इक्वल टू 289। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सो देयरफॉर
Therefore, the sides obey Pythagoras theorem. So therefore, triangle ABC is a right angled triangle at B. ओके तो इसी तरह से हम लोग करेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 11, 12 एंड 15 क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, बेसिकली क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा एक फिगर बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, हाँ ठीक है, तो एक राइट एंगल सी हमें बताना है कि यह क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, बट हम लोग राइट एंगल जैसे एक फिगर तो बना लेते हैं. अब मैंने इसको थोड़ी ना कंक्लूसिवली बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पर थोड़ी 90 डिग्री मार्क किया, खाली ऐसा फिगर जैसा बनाया है सो दैट आपको जो माइंड में विजुलाइज है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और कहाँ पे होता है उसका लोकेशन आपको पता है, तो इस हिसाब से विजुलाइज करने के लिए बेटर होगा. तो ये आपको 15 लेना है क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है. ऑल दो मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल फिलहाल तो नहीं है, हमें बताना है क्या फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये है 11 और ये 12. तो मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो आपका ए सी जो है वो 15-15 लेंगे, बी सी को लेंगे 12 एंड ए बी को लेंगे 11. सो आपको निकालना है ए सी का स्क्वायर, दिस इज 15 का स्क्वायर. अच्छा, 15 का स्क्वायर होता है 225, याद रखना आप लोग को. फिर बी सी का स्क्वायर आप निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. अच्छा, 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 144 एंड फिर बचा हुआ आपका ए बी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर निकालेंगे. 11 स्क्वायर कितना होता है, 121. तीनों के निकल गए स्क्वायर्स, ए सी मतलब 15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर निकल गया. अब आपको क्या करना है, आपको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जरा ऐड करके देखना. सी बाकी दोनों छोटे जो साइड्स हैं ना, 15 सबसे बड़ा है, तो बाकी दोनों छोटे कौन से, 11 और 12. तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके देखना, मतलब ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर करके देखना है. तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल 121 प्लस 144. सो देयरफॉर आपका जो ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5456 और ये हो जाएगा 265. करेक्ट, 265. अच्छा, 265 इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 225. सो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो देयरफॉर क्या बोलोगे आप, देयरफॉर 11, 12 and 15 don't follow Pythagoras theorem. That is 11, 12 and 15 are not the sides of right angle triangle. Right angle triangle. ठीक है, समझ में आया, तो दे डोंट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल. चलो थर्ड वाला करके देखते हैं, क्या थर्ड वाले में हमको मिलता है, कुछ मिलेगा ऐसा कुछ. थर्ड वाला करके देखते हैं, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. जैसे मैंने कहा अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब खाली आपको पता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, वैसे लिखना कहीं पे भी नहीं, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा. तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फिगर बनाना है और जो सबसे बड़ा है वो वहाँ पे लिखना, जहाँ पे मैंने अभी 61 लिखा, बाकी यहाँ पे 60 लिख दो, यहाँ पे 11 लिख दो. अपने कन्वीनियंस के लिए हम ए बी सी लिख देंगे. ठीक है, नाउ ए सी आपका है 61, बी सी है आपका 11 और ए बी है आपका 60. सो देयरफॉर आपको पहले ए सी स्क्वायर निकालना है जो कि 61 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 61 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 61 स्क्वायर, चलो करते हैं 61 का स्क्वायर करके देखते हैं. सो ये हो जाएगा 1 6 6 12
36 33 7 2 1. तो दिस इज 3 7 2 1. ओके दिस इज 3 7 2 1. ओके फिर उसके बाद हमें बी सी का स्क्वायर निकालना है जो कि 11 का स्क्वायर है. कितना होता है भाई 11 का स्क्वायर? 121. फिर ए बी का स्क्वायर कितना हो क्या होगा? 60 का स्क्वायर. क्या होता है 60 का स्क्वायर? दिस इज इक्वल टू 3600. अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया है आपको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का एडिशन करना है. दैट इज इक्वल टू वॉट? ए बी स्क्वायर इज 3600. वॉट इज बी सी का स्क्वायर? दैट इज 121. अगर ऐड करोगे तो क्या होगा? 3721. क्या ये किस अच्छा किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के इक्वल है. देयरफोर हम ये बोल रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन करने पर ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आया. सो देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल. वो लिखना आपको, इट इज ओबिंग पाइथागोरस थ्योरम. देयरफोर ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट बी. ठीक है, मतलब दे आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा. समझ में आया थर्ड वाला? अब फोर्थ वाला करते हैं, देखते हैं फोर्थ वाला क्या बोलता है. फोर्थ वाले में आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास. तो ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी. तो जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्चुअली 1.7. फिर जो बाकी दोनों है वो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 1.6. अच्छा, आपका जो ए सी है, ए सी का जो स्क्वायर है, पहले लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू 1.7, फिर बी सी इज इक्वल टू 1.6 एंड ए बी इज इक्वल टू 1.5. सो देयरफॉर आपको पहले ए सी स्क्वायर निकालना है जो कि 1.7 का स्क्वायर होगा. 1.7 का स्क्वायर, अच्छा 17 का स्क्वायर निकालो जो कि होता है 289, और डेसिमल सी 1.7 इंटू 1.7 है तो टोटल दो नंबर्स हैं और दोनों का डेसिमल लाइक 7 के पहले है. तो ऊपर वाला 1.7 है और नीचे, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो एक और दो, तो वी हैव टू डिजिट्स. दो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, एक एक डिजिट है यहाँ पे. तो दो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड की तरफ आपको डेसिमल रखना है. 2.89 ये रूल है, अगर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन याद हो तो डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन. फिर उसके बाद आपको बी सी स्क्वायर निकालना है तो 1.6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ठीक है ना, 1.6 इंटू 1.6, तो आपको जो भी आंसर है कितना है 1.6 इंटू 1.6 256. तो ऐसे केस में दोनों नंबर हैं और यहाँ पे एक के बाद है डेसिमल, एक के बाद है, मतलब टोटल टू, तो 2.56. ओके फिर उसके बाद आपको निकालना है ए बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर. अच्छा 1.5 का स्क्वायर होता है 220, मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 करें तो फिर से दो डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ जा करके डेसिमल लगेगा. तो यहाँ पे जब आपने स्क्वायर्स निकाल लिए सो आपको देखना है कि बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का एडिशन क्या हो रहा है. तो बी सी स्क्वायर इज 2.56 और ए बी स्क्वायर इज 2.25. ऐड करने पे क्या हो रहा है? ऐड करने पे क्या हो रहा है? दिस इज 5 5 10 11. ठीक है, 2 3 और ये 8 एंड दिस इज 4 4.81. राइट, 4.8 5 10 11 5 6 7 8 2 2 4. तो 4.81 हो गया. राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? 4.81. ओके 4.81. नाउ ये तो 4.81 है, सो आपका ए सी स्क्वायर क्या है? अच्छा आपका जो ए सी स्क्वायर था, दिस इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 2.89. दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो देयरफॉर या सिंस इसके पहले वाला इज अ राइट एंगल, ओके नाउ सिंस ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, देयरफॉर दे डोंट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम. द
ये डोंट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. समझ में आ गया आप लोग को, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ सम की ओर, फिफ्थ सब क्वेश्चन की ओर. फिफ्थ सब क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सो वी हैव अगेन लेट अस टेक अ फिगर विच इज सिमिलर टू राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 40, तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी 20, 30 लिखेंगे आप. ओके, नाउ मान लेते हैं कि ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो हम क्या करेंगे, ए सी को 40 लिख देंगे फिलहाल, फिर आपका जो ए बी है वो 20 लिख देंगे, एंड आपका जो बी सी है उसको लिख देंगे हम लोग 30. ठीक है, सो देयरफॉर ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1600. ए बी का स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 400. एंड आपका बी सी का स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 900. ओके, स्क्वायर करो, देखो करके देखो, 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जरा करके देखो क्या आ रहा है आपका. दिस इज 900 प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 1300. और ये 1300 क्या है, ये 1600 की इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 1600, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सो देयरफॉर 20, 40 एंड 30 डोंट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट अ और राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, सबको इसमें से जो जो आए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस हैव दी नाउ. आई थिंक अब हमारे पास सॉल्व एग्जांपल्स आ गए, दो ही सॉल्व एग्जांपल्स है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, और वो भी सिंपल है. सॉल्व एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं सॉल्व एग्जांपल्स में. कह रहा है ये कि आपका जो ए सी बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी, और ए सी का लेंथ 5 दिया है, बी सी का लेंथ 12 दिया हुआ है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? सो सिंस एंगल सी इज इक्वल टू 90 degree, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. भाई क्या होता है ना, जब भी आपका पाइथागोरस थ्योरम, THEORM थ्योरम, क्या होता है ना, जब एक एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम लगता है. 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में है वो आपका हाइपोटेनस है. सो देयरफॉर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अच्छा, ए बी बी सी स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दिस इज 144. देखो क्या किया मैंने, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकालना चालू कर दिया. दोनों को ऐड करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, टोटल करोगे तो 169 होगा. क्या 169 किसी का स्क्वायर है? मतलब अगर आपको ए बी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 लिखना है, क्योंकि स्क्वायर राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट होगा. अब स्क्वायर रूट क्या करता है, पूछता है 169 को कि तू किसका स्क्वायर है, तो 169 बोलता है मैं 13 का स्क्वायर हूँ. तो इसी से आपको ए बी की वैल्यू पता चल गई, जो कि 13 centimeters. तो ए बी इज इक्वल टू 13 centimeters. सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे लगाना है. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है. तो इस पर्टिकुलर क्लास का और इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी सम आपके सामने ये रहा. पूछ रहा है कि क्या ये तीनों नंबर 7, 24 एंड 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है,
या नहीं पता करो। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट वे नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। एंड ऐसे केस में हमें एक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे 25 लिखोगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 24, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़े का स्क्वायर निकालोगे, 25 का स्क्वायर निकालोगे कितना होता है, फिर 24 का स्क्वायर निकालोगे कितना होता है, 7 का स्क्वायर निकालोगे कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, सो देयरफॉर 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अगर आप ऐड करोगे तो 576 प्लस 49 आपको दे देता है 5, ये 7, 8, ये 12, कितना हो गया 625, सो 620 दिस इज इक्वल टू एक्चुअल 25 स्क्वायर। सो सिंस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, देयरफॉर दिस obeys Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Therefore, 25, 24 and 7 are Pythagorean triplets. Pythagorean triplets. Correct? Okay. Easy to understand guys. तो बेसिकली कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज हमने जो सम्स किए हैं वो सिंपल थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 8, 15 और 17 को चेक किया, क्या है? देखो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनमें से आइडेंटिफाई करो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं या नहीं। तो 8, 15 और 17 अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे दीज 8, 15 और 17 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या 11, 12, 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब क्या वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इनमें से हमने सारे चेक कर लिए और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ग्रुप नॉइज ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक, कर लो ज्वाइन। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़रा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरी है, शेयर करो। और यहाँ पे कमेंट भी ज़रा लिखना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मेहनत की जा रही है वो कितना स्पेसिफिक है और कितना एडवांटेजियस है बच्चों के लिए, कितना स्पेसिफिक जा रहा है, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, लेट अस मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मे भी अगर कुछ आएगा एक्स्ट्रा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, आपको लिंक तो दे रखा है मैंने ग्रुप, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।